नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। मेडिकल शिक्षा में 95 और MBBS में 90% अंक प्राप्त कर डॉक्टर बनी अनुसूचित जाति से संबंधित 25 वर्षीय डॉक्टर पंपोष द्वारा अपने हॉस्टल के कमरे में खुद को फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेने के मामले को लेकर आज अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े लोगों ने शहर में रोष मार्च निकाल पंपोष को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। नंगल के स्टाफ क्लब से शुरू हुई जय रोष रैली नंगल के आई ब्लॉक चौक जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर उपस्थित निर्मलजीत सिंह, दौलतराम, अशोक कुमार, तुलसीराम मट्टू, तरसेम चंद, पार्षद रणजीत सिंह लक्की, कुलदीप चंद, मनदीप सिंह सिद्धू, बलबीर सिंह भाटिया, अमरजीत सिंह, सुरेंद्र, बलदेव सिंह, बिहारी लाल और जसपाल इत्यादि ने कहा कि हमारे समाज की जय होनहार बेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन चल रहे श्री गुरु रामदास कॉलेज में इंटर्नशिप कर रही थी, लेकिन कुछ उच्च जाति से संबंधित स्टाफ के लोग उसकी जाति को लेकर मानसिक तौर पर परेशान कर रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने खुद को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इन लोगों ने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी स्टाफ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। क्या कहा सटी हलचल से बात करते निर्मलजीत ने, पहले जय सुने। मैं निर्मलजीत, सूबा सकत्तर जनरल SCVC एम्पलाइज फेडरेशन पंजाब रजिस्टर्ड। असी अज नंगल शहर विच सारियां ही धार्मिक जथेबंदियां, समाजिक जथेबंदियां अते राजनीतिक जथेबंदियां नूं नाल लैके एक रोस प्रदर्शन मार्च डॉक्टर पंपोष दी हत्या दे विरोध विच कीता। देखो, सरकार जिहड़ी पिछलियां सरकारां भी ते होण वाली मौके दी सरकार भी जिहड़ियां साडियां अनुसूचित जातियां दे विद्यार्थियां, कर्मचारियां अते आम लोकां नाल बहुत ज्यादा ही धक्का जिहड़े लोकी करदे है उहनां नूं कोई सख्त सजावां नहीं दे रही। असीं सरकार पासों इही बेनती करदे हां कि डॉक्टर पंपोष, जिस दी के श्री गुरु रामदास मैडिकल हॉस्पिटल अमृतसर विच हत्या कीती गई है, उस दे केस नूं CBI वर्गी एजेंसी तों एक स्पष्ट अते साफ जांच करवा के सिर्फ दोषियों नूं एक अजिही सख्त तों सख्त सजा दित्ती जावे, तां कि आने वाले समय विच कोई भी अनुसूचित जाति वर्ग दे किसी भी विद्यार्थी, आम नागरिक जा किसी होर वर्कमैन दे नाल इस तरह के धक्के ना हो सकन। जेकर सरकार ने साडी इस मंग वल ध्यान ना दिता ते असी आउण वाले दिनां विच इस तों भी तेज संघर्ष करन दी एक कारवाई करांगे ते जिस दी निरोल जिम्मेवारी मौके दी सरकार दी होवेगी। जय भीम, जय भारत। इस मौके पर क्या कहा सटी हलचल से बात करते कुलदीप चंद ने, जय भी सुने। जय भीम, जय भारत। जिवें कि पिछले दिनी श्री गुरु रामदास मैडिकल कॉलेज अमृतसर दे विच डॉक्टर पंपोषा दी भेद भरी हालत विच मौत हुई है, ते उस मौत नूं लैके अज नंगल इलाके दीआं वख वख जथेबंदियां वलों रोसमई संघर्ष किया गया, ते मंग असी सरकार तों अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तों मंग करदे हां कि इस कॉलेज दे विच होई इह घटना नूं, जिस नाल समूह जथेबंदियां विच रोस पाया जा रहा है, इस मामले दी मुकम्मल उच्च पदरी जांच करवाई जावे ते इस नाल संबंधित सीधे ते असिद्धे रूप विच जिम्मेवार लोकां दे खिलाफ बनदी कानूनी कार्रवाई कीती जावे। जय भीम, जय। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ट ऑप्टिकल। यहां आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे, वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता नोट करें, वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, निकट गोल्डन पैलेस, अजोली मोड़, जिला उन्ना।
हमारा फोन नंबर 99 155 84 190।